the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. वेलकम टू माई चैनल निधिज़ डायरी. मैं हूँ निधि और आज मैं आपको पिम्पल्स के बारे में कुछ टिप्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही उम्दा वर्क करता है, बहुत ही कमाल का वर्क करता है. एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर आप पिम्पल्स से परेशान हैं तो. सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने पिम्पल्स को कैसे सप्रेस कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, वो भी एक आइस की मदद से. आपको आइस का एक टुकड़ा लेना है एंड उसको कपड़े में डायरेक्टली अपने स्किन पे नहीं, कपड़े से के अंदर रख के आपको अपने स्किन पे धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड के लिए अपने स्किन पे जहाँ पे पिंपल्स है स्पॉट पे आपको धीरे धीरे दबाना है. यानी कि हल्का हल्के हाथों से, बहुत तेज़ी से नहीं, हल्के हाथों से. इससे होगा क्या कि आपके स्किन में वो अंदर तक जाएगा, आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, रेडनेस दूर करेगा, दर्द है तो भी कम करेगा और उसको धीरे धीरे इसको यूज़ करने से पिम्पल्स भी छोटे होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टिप बता रही हूँ. टिप नंबर 1 जो है वो है हनी यानी कि शहद और नींबू. नींबू के मिक्सचर से बनाया जाने वाला एक घर का बहुत आसान सा एक तरीका, जिसमें कि हम नींबू का यूज़ कर रहे हैं, इक्वल क्वांटिटी में हनी का भी यूज़ कर रहे हैं. तो दोनों को आप एक एक चम्मच लेके अपने स्किन पे लगा रहे हैं. तो यहाँ पे हम लेमन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नींबू में एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है जो हमारे स्किन को क्लियर करता है. उसमें एक एंटीसेप्टिक भी होता है जो हमारे स्किन को फाइट बैक करता है मुहासों से, वायरसेस से. एंड ये हमारे पोर्स में डीपली घुस के हमारे स्किन में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो जाती है, निकलती है, उसको भी कम करता है. एंड साथ में हम हनी यूज़ कर रहे हैं यानी कि शहद. ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट से भरपूर होता है, हमारे स्किन में जितने भी जलन होती है उसको दूर करता है. तो इसका मिक्सचर हमें इक्वल क्वांटिटी में एक चम्मच हनी एंड एक चम्मच लेमन जूस लेके उसको मिक्स कर लेना है. एंड मिक्स करने के बाद आप एक कॉटन की हेल्प से अपने स्किन पे या तो पूरी तरह अप्लाई कर लीजिए या फिर जहाँ पे आपको स्पॉट पे जहाँ जहाँ पिंपल्स है वहाँ पे, मेरे हिसाब से आप इसको पूरे स्किन पे अप्लाई करिएगा क्योंकि ओवरऑल आपकी स्किन ऑयली होती है तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा. तो इस तरह से आप अप्लाई कर लीजिए. 10-15 मिनट बाद जब आपको फील हो कि वो हल्का सूख गया है तो आप इसे वॉश कर लीजिए. यहाँ पे हमने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया है. तो एप्पल साइडर विनेगर जो होता है हमारे चेहरे के बंद पोर्स को खोलता है और जो भी उसके पोर्स के अंदर धूल मिट्टी या फिर ऑयल होता है उसको क्लीन करता है. एप्पल साइडर विनेगर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण से भरा होता है जो कि बैक्टीरिया, वायरस तथा ऑयल को स्किन में जाके मार देता है एंड उसका जो संक्रमण होता है यानी कि जो वो बढ़ता है उसको भी रोकता है. तो हमारे चेहरे के मुहासे को क्लीन करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है. तो एप्पल साइडर विनेगर आप यूज़ करने का तरीका है कि आप इक्वल अमाउंट में वाटर एंड इक्वल अमाउंट में एप्पल साइडर विनेगर लीजिए, उसको एक रुए की मदद से स्पॉट पे ट्रीट कीजिए. यानी कि पूरे फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट अगर आप स्पॉट पे लगाइए तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा. आप डायरेक्टली वहाँ अप्लाई कीजिए, कुछ देर बाद उसे वॉश कर लीजिए. लास्ट उपाय मैं बता रही हूँ जो कि एक टी ट्री ऑयल है. ये एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी वायरल आदि गुण से भरपूर, यानी कि आपके स्किन में, हेयर में, जहाँ भी वायरस या वायरल प्रॉब्लम है आपको आराम से इससे राहत मिल सकती है. तो इसी तरह आप मुहासे पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं. सेम अमाउंट आप लीजिए, मतलब 4 से 5 बूंद पानी में 1-2 बूंद आपको टी ट्री ऑयल डालना है, उसको मिक्स करना है ना स्पॉट पे लगा के. रात भर आप सो जाइए, सुबह में वॉश कर लीजिए. आपका स्किन धीरे धीरे जो भी मुहासे हैं या फिर मुहासों के दाग भी हैं तो भी चले जाएंगे. तो ये था मेरा टिप तरीका जो भी मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाई है. तो अगर आपको पसंद आता है गाइस तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए DIY के साथ, नए रिव्यू के साथ. तो फिर चलते हैं.